मेरठ में साइबर सेल और इचोली पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए चार बदमाशों को गिरफ्तार किया है। चारों आरोपी मेरठ जिले के रहने वाले हैं। वहीं आपको बताते चले कि आरोपियों के कब्जे से चार तमंचे कारतूस, लूट की स्विफ्ट डिजायर कार, दो बाइक और एक स्कूटी सहित नौ मोबाइल भी बरामद हुए। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने जिले के विभिन्न थानों क्षेत्रों में लूट की लगभग एक दर्जन घटनाओं को अपने हाथों होना स्वीकार किया है। ये बेसिकली 20-22 साल के लड़के हैं। ये चार अभियुक्त हैं जो किराए पे कमरा लेकर रहते थे और पिछले डेढ़ महीने से इन्होंने दर्जन भर लूट मेरठ में की। जो भी ये साफ टारगेट देखते थे उसमें लूट करते थे। इनके द्वारा परतापुर थाने से लूट की गई स्विफ्ट डिजायर बरामद हुई है, स्कूटी 3 बरामद हुई है और 9 मोबाइलें बरामद हुई हैं, जिसको ये शाम को निकलते थे, ड्रिंक करते थे और उसके बाद ये लोगों से लूट मार करते थे। करीब एक दर्जन घटनाएं इन्होंने की हैं जो अभी तक पता चली हैं। ये सभी पढ़ने वाले बच्चे हैं जो 12th में पास कर चुके हैं या 12th और बाकी आगे अपना कमरा लेकर रह रहे थे और ये लगातार इनके द्वारा ये घटना करके जनपद में एक ऐसा माहौल कायम किया गया था। ये इन सभी को इंचौली और साइबर की टीम ने गिरफ्तार किया है। पुलिस टीम को 10,000 रुपये का इस पर रिवार्ड मेरी तरफ से दिया जा रहा है। सर, कम उम्र में क्यों ये लूट की वारदात को अंजाम देते थे? क्या शौकपुर अभी पूछताछ में ये सामने आया है कि इनकी गर्लफ्रेंड्स थी और उनके अपने शौक पूरे करने के चक्कर में और उनके लिए लूट मार करते थे और बहुत सारी चीज़ें भी और भी हैं जो इनसे रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी। कौन कौन सी क्लास के बच्चे हैं? ये इंटर पास है, एक एक इंटर है, इंटर में है और ये तैयारी कर रहा है एक कंपटीशन कॉम्पिटेटिव एग्जाम की।